गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग चल पड़े हैं चांशल से सरूताल की ओर, और जो हम अपना सफर यहाँ से 4:35 पे शुरू कर रहे हैं, और अब देखते हैं किस तरह से हम पहुँचते हैं। अभी हमारा जो टारगेट है, क्यों हेलो, हमारा टारगेट अभी ज़बरदस्त वाला टारगेट है। मैक्सिमम बंदे मना कर रहे हैं कि भी नहीं पहुँच पाएंगे, पर हम पहुँच के दिखाएंगे और वापस भी आके दिखाएंगे। हमारे जवान लोग पूरे पूरी हिम्मत के साथ चले हैं। ये देखिए, यहाँ पर चांशल पर सरूताल के रास्ते पे भेड़ बकरी वाले भी, भेड़ बकरी पालक हमारे पास यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखो भेड़ बकरी देखो क्या बड़ी होती है। नमस्कार महाराज जी, ठीक है आप? ठीक है जी, ये रहता है शाम को। अच्छा, ये आपका अड्डा है? कितने बंदे? अच्छा जी, दो है। ये मेरी है। अच्छा जी, ठीक है ना। सरूताल के लिए कितना जाना पड़ेगा अब यहाँ से हमारे को? हाँ जी, मतलब लगा है ये 5 डिग्री है। कितना टाइम लगेगा यहाँ से हमारे को? आधा घंटा। वेरी गुड, धन्यवाद। उधर बंदे मिलेगा हमारे को? बात आदमी मिलेंगे उधर अभी? नहीं। चलो पहुंच जाएंगे, धन्यवाद जी। हम अभी मानते ना, ये मेरी है। यहाँ के ना बड़े तेज होते हैं, देखो देखो, हेल्प हेल्प। अब तो कम रह गया, ये पार सामने ना, यहाँ से फिर नीचे जाना, सिर्फ नीचे दिख जाएगी, झील दिख जाती है एकदम से। उधर पहुंचना है? हाँ, वो पार सामने जो चोटी है ना वाली, इसके उस साइड पे नीचे, नीचे पीछे देखो, पीछे और आ गया बिल्कुल। ये ऊपर ऊपर जाएगा शायद, हाँ पीछे से आ गया। अभी हमारे को गया यहाँ पर आते आते टाइम, हमने आधे से ज्यादा रन तो कर लिया। चलेंगे ना, बहुत बेस्ट है, और भी बेस्ट है। चलेंगे हम वापसी भी, चलेंगे आते बारी। अब ये सब चल जाएगा, वापस चलनी है। वो देखो जी, हम लोग कहाँ जन्नत में पहुंच चुके हैं। नहीं, जन्नत है सच में। हाँ, ये है जन्नत। ना ना ना, मैं बोलूंगा, देखो इसी पार जान में। हाँ हाँ, ये देखो चांशल, हमारी कार जो लास्ट पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमारी कार लगी है, और इसके बाद हमारा जो सफ़र रहा है, ये मेरे ख्याल से हम लोगों ने हेलो 30-35 में किया इतना कवर। हम आज यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, हेलो, देखा जाए ना, हम आज रिकॉर्ड तोड़ेंगे।
पहले उधर, फिर हमारे को बाद में क्या पड़ेगा, आगे के लिए आना पड़ना। अगर चलेंगे पहले ही उधर तब हमारे ये वो तो क्या बात है। देखो क्या जन्नत है यहाँ पर, देखो यहाँ आओ हमारी जन्नत में। जिसने घूमने आना है चांशल पे आओ, चांशल पास पे आओ, और चांशल पास क्या जन्नत है। और चांशल पास के बाद एक सरू लेक है, सरू झील, जिसको हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं अभी, और आप लोगों को हम विजिट करवाएंगे। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए बस, तो देखो आप लोग यहाँ पर जन्नत के दर्शन आप लोगों को करवाते हैं। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैंने पीछे भी एक वीडियो डाली थी, पर वो अच्छी थोड़ी, मतलब पूरी क्लियर नहीं वीडियो थी, मतलब पूरी नहीं थी, वो शॉर्ट वीडियो थी। आज मैं आपको पूरी वीडियो डालने वाला हूँ कि कितना टाइम लगता है और कितना चलना पड़ता है और कैसे कैसे चलना पड़ता है और रास्ता कहाँ से। हम सरू ताल के बिल्कुल नज़दीक ही पहुंच रहे हैं। जो घूमना चाहते ना यहाँ आया करो, नहीं घूमने की जगह तरह ये है चांशल पास। ये देखिए जी, अभी हम कम से कम 40-45 मिनट चलने के बाद अभी हमें और इतना चलना है। जो लास्ट चोटी हमें नज़र आ रही है ये सरू ताल की बाउंड्री है, इसके साथ नीचे को सरू ताल है। तो बच्चा भाई पार्क को जाना है, बस इसी लाइन को लाइन जाना है, उल्टे हाथ की तरफ। ठीक है भाई जी, ठीक है प्रभु भाई, ठीक है जी। अब हमारे पास शायद 15 से 20 मिनट का रन और रहा है। ये जो लास्ट में चोटी नजर आ रही है हमें वहां पहुंचना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग हमें ये पाते हैं कि भाई सरू ताल के लिए चांशल से 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, तो हम लोग मेरे ख्याल से 1.25 या 1.5 घंटे में यहाँ पर इजीली पहुंच जाएंगे। लास्ट चोटी, सरू ताल की लास्ट चोटी। ये देखो यहाँ पर दोबारा से हमारे पास भेड़ बकरी वाले मिल गए हैं, और ये देखो हम कितने दूर से आ गए हैं। जो हमारे चांशल का रोड है, ये देखिए सबसे लास्ट जो आपको नज़र आ रही है चोटी, इस चोटी से हम यहाँ पर पहुँचे अभी। बहुत ही अच्छा मौसम है और घूमने का कुछ मज़ा ही कुछ और है। ये देखिए जी, अभी हुए 5:50 5:50 पे हम सरू झील, जो पहला ताल है, उसके बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं। आपको हम उसके दर्शन करवाते हैं। ये देखिए बिल्कुल सामने ये सरू ताल, छोटे वाला ताल है, जो बड़ा ताल है वो थोड़ा इसके साथ ही नीचे को है। वो पहुंच चुके हैं सरू ताल, क्या बात है, क्या बात है। देखिए हमारे पीछे बिल्कुल सरू ताल आपको नजर आ रहा है, ये सरू ताल है। देखो जी हम लोग ना इस चोटी से आए, लास्ट चोटी है यहाँ रोड। वैसे जो तेज चलने वाले बंदे हैं वो ना, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर 1 घंटे में पहुंच सकते हैं। क्यों? चांशल पास से। हाँ, चांशल पास से सरू लेक तक 1 घंटे में इजीली पहुंच सकते हैं। पर हम लोग तो थोड़े रुक रुक के आए ना, देखो जैसे कोई बंदे मिले नहीं हमारे पास। यस यस, हम रुक रुक के आए तब हमारे को ये थोड़ा टाइम लगा। वो भेड़ पालक थे ना। हाँ, उनसे हम गप्पे मार के आ रहे हैं, बातचीत करते हुए आए हैं। हाँ,
हम यहाँ पर एग्जैक्ट 1:15 में पहुंचे हैं जी। ये देखो यहाँ पर सरू झील, सरू झील बहुत बड़ी झील है, बहुत ही खूबसूरत झील, और साथ में देखो कितनी खूबसूरत झील है। सरू तालिक जो झील है ये चाशल पर रुका हुआ पानी है, यहाँ पर जो ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं वो पिघल के आते हैं, और ये यहाँ पर पानी से बहुत ज़्यादा पानी है इसमें आया यहाँ पर। आजकल वैसे जैसे इस बार बर्फ़ मेरे ख्याल से बहुत कम बर्फ़ पड़ी है, शायद मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ पर बर्फ़ कम पड़ी है और सारी बर्फ़ यहाँ से हट भी गई है, क्योंकि जब मैं पीछे एक बार आया था उस वक्त यहाँ पर ग्लेशियर्स वगैरह थे, थोड़े ग्लेशियर्स पिघलते रहते और यहाँ पर ज़्यादा ही रहती है झील, तो इस बार थोड़ी कम है, इस बार ये सूख चुका है थोड़ा पानी, इसमें कम है पानी। पर मैंने इससे पहले जब आया था तो मैं पूरी झील इसमें ना चल के क्रॉस की थी आर पार, पर हमने वो गलती की थी, पर करना नहीं पड़ता था इस तरह से, जो हमने बाद में सुना कि रुका पानी है यहाँ पर। कभी आप लोग भी ऐसी गलती ना करें यहाँ पर आके, क्योंकि रुका हुआ पानी है, नीचे दलदल है, दलदल में फंस सकते हैं। तो शायद मेरे ख्याल से हमारी किस्मत शायद अच्छी थी, जब हम यहाँ पर इसमें चले तो बच गए, मैं और एक मेरे मित्र थे गुप्ता जी, तो हम दोनों ने ये झील पूरी चल के पार की है आर पार। देखिए चारों ओर कितना सुंदर नज़ारा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है चारों ओर, बिल्कुल घाटी के बीच में ये ताल बना हुआ है, और यहाँ पर इतने जानवर हैं जैसे गाय बैल वगैरह घोड़े वगैरह होते हैं, वो यहाँ पर पानी पीते हैं 24 घंटे सर्विस ये देते हैं हमें, आप जब भी चाशल आओ तो 24 घंटे आपको यहाँ सर्विस मिलेगी। लो जी आफ्टर ऑल हम लोग पहुंच चुके हैं चाशल, काफी स्ट्रगल के बाद हम लोग चाशल पहुंच चुके हैं सर से, बड़ा जबरदस्त हमारा ट्रैक, क्यों बिल्कुल सर, मतलब मैं बोलूं कि हमने पूरा रिकॉर्ड तोड़ा है इसी साल, हां जी जाने में लगे हमें 1.25 घंटा रिकॉर्ड करने में भी लगभग जबरदस्त, और जातिवार हमने 1:15 में गए हम, हां जी वापसी में थोड़ा हम रुक के आए, थोड़े बीच में रुके, तो मेरे ख्याल से हमारे को हुआ होगा शायद आने में थोड़ा 1.5 घंटे लगे, मतलब जबरदस्त टूर रहा हमारा। चलो अभी हमारे को जो यहाँ पे है कितने बज गए, 8 बजे से पहले पहुँच गए, 8 बजे से पहले यहाँ पर पहुँच चुके हैं। देखो यहाँ पर चाशल पर जो अंधेरा है, देखो जी मैं तो कुछ नहीं दिखेगा।